हेलो दोस्तों, मैं अंकुर भारती, डायनेमिक रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए प्रिंटर लाया हूं, जो कि HP का प्रिंटर है। और अभी मैं इसको अनबॉक्स नहीं किया हूं, तो इसको मैंने Amazon से ऑर्डर किया था। तो अगर आपको ये रिव्यू देखने के बाद अगर ये प्रिंटर आपको अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन से इसको परचेस कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं इसमें क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है और दूसरे प्रिंटर के मुकाबले ये अच्छा है या ख़राब है, इसमें क्या क्या मेरिट चीज़ है और क्या डिमेरिट चीज़ है। सो मैं आप लोगों को फुल बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे मेरे चैनल का। फर्स्ट मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूँ। ये बहुत ही बड़े साइज में दिया हुआ है और ऑब्वियस सी बात है, प्रिंटर है तो बड़ा रहेगा ही। ये HP का नेवर स्टॉप लेजर 1200W मॉडल नंबर है। तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करता हूं और आप लोगों को इसका फीचर्स दिखाता हूं। अब मैं देखता हूं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यूजर मैनुअल, पावर कोड सप्लाई के लिए, और ये कुछ डब्बा डुब्बी दिया हुआ है, तो मैं बाद में देखूंगा क्या दिया हुआ है। सो और ये USB कोड, आप ये देख सकते हो टेप दिया हुआ है, सेफ्टी के लिए दिया हुआ है ताकि आपका जो डिलीवर करे तो ये खुले ना। तो मैं सारा को खोल लेता हूँ। ये ऑरेंज कलर का कुछ रहता है, तो आप उसको खींच लेना बाहर, नहीं तो आपका प्रिंट नहीं होगा, पेपर निकलेगा नहीं। अब मैं इसको सेट कर लेता हूँ। जो आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, वो कहाँ पे सेट होता है। सो तो फर्स्ट आप यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना। ये पेपर होल्डर है, तो इसको आप यहाँ पे नेक्स्ट सेट कर देना। टोटल 150 पेपर लेता है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम A4 साइज प्रिंट होगा, अगर उसे छोटा साइज भी प्रिंट करना चाहते हो तो वो भी आप प्रिंट कर सकते हो इसमें। और ये बॉक्स है जिसको आप यहाँ पे लगा सकते हो और पेपर सेफ्टी में चल जाता है, मीन्स पेपर गंदा नहीं होगा। अगर इंक वगैरह भी गिरता है तो पेपर में नहीं लगेगा। और यहाँ पे आप पेपर को डाल के स्कैन कर सकते हो या फिर आप अपने वाईफाई से इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये जो प्रिंटर है इसमें कलर प्रिंट नहीं कर सकते हो आप, ब्लैक एंड वाइट ही आपका प्रिंट होने वाला है। पीछे साइड देख सकते हो इसमें ये सप्लाई है और एक USB केबल दिया हुआ है, यहाँ से पावर सप्लाई लेगा और ये आपका कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक बॉक्स दिया हुआ है, आप इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पे दिखेगा। ये टॉनल बॉक्स है या फिर आप इसको कह सकते हो कार्टेज, तो यहाँ से कार्टेज डलाता है और कार्टेज का नंबर जो आता है, सारे प्रिंटर का अलग अलग नंबर आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 103A। तो आप जब भी इस प्रिंटर का कार्टेज मांगोगे तो 103A बोलना। और जो नॉर्मल प्रिंटर रहता है उसमें इंक लगता है, तो इसमें इंक नहीं रहता है, पाउडर टाइप का रहता है, वही इसमें यूज़ किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर दिया हुआ है जो आपका टॉनल बताएगा कि कितना टॉनल है, और या बोल सकते हो आप कितना कार्टेज इसके अंदर अभी अवेलेबल है। तो मैं फर्स्ट ऑन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ से फर्स्ट प्रेस करना है तो आपका प्रिंटर ऑन हो जाएगा और एक साउंड करेगा ऑन होते टाइम। और आप यहाँ पे देख सकते हो एक डिस्प्ले भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको इंडिकेशन दिखेगा कि कौन से मोड में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोनल का इंडिकेशन।
आप देख सकते हो टोनर का इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कार्टेज का इंडिकेशन दिख रहा है। मीन्स अभी फूल है, ये वाइट कलर का पूरा जल रहा है, मीन्स इसमें पूरा कार्टेज भरा हुआ है, और जब ये डाउन हो जाएगा तो आपको इंडिकेशन दिखेगा कि इसमें कार्टेज कम है और आप इजिली इसको रिफिल कर सकते हो। और आप डिस्प्ले में देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या फीचर्स दिया हुआ है। ये पावर बटन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे वाईफाई के लिए दिया हुआ है, तो आप इसको प्रेस करना पड़ेगा, टच नहीं दिया हुआ है, ये प्रेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे प्रिंटिंग कर रहे हो कोई भी कॉपी का, तो आप अगर वो प्रिंटिंग रोकना है तो आप यहाँ से क्रॉस बटन दबा सकते हो। ये बटन जो है वो कॉपी के लिए दिया हुआ है। आप अगर जेरोक्स करना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये जेरोक्स हो जाएगा। और फिर ये मेन्यू बटन दिया हुआ है, जिसके मदद से आप इसके मेन्यू को चेंज कर सकते हो। आपको जितना कॉपी निकालना, एक साथ 150 पेजेस लेता है इसके बॉक्स के कंटेनर में, तो आप एक साथ 150 फोटो कॉपी निकाल सकते हो एक प्रेस में। और ये काफ़ी फास्ट होता है, अप्रॉक्स आपको एक मिनट में 20 कॉपी निकाल के दे देता है। और जब आप इससे जेरोक्स करते हो तो एक पेज का कॉस्ट पड़ता है 29 पैसा। टोनर रिफिल करोगे, मीन्स कार्टेज रिफिल करोगे, तो वो आपको अप्रॉक्स 5000 पेज दे देगा। मीन्स 5000 पेज एक कार्टेज से आप निकाल सकते हो। और इस प्रिंटर का जो प्राइस है वो 18,500 से लेके 20,000 तक में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये आईडी के लिए है, अगर आप कोई भी आईडी को जेरोक्स करना चाहते हो तो आप इसको प्रेस करना। रिज्यूम बटन दिया हुआ है, और उसके बाद नीचे वाला जो बटन देख रहे हो आप वो वाईफाई डायरेक्ट दिया हुआ बटन, जिसके मदद से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। बाकी आप यहाँ पे इंडिकेशन देख सकते हो, अगर आपका कॉपी फंस गया है तो यहाँ पे सारा इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अब मैं जेरोक्स करके दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ, यहाँ पे इंडिकेशन भी है किस साइड रखना है आपको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है A5, B5, A4, तो साइज़ दिखाता है आपको कि क्या साइज़ का आपका पेपर है। तो मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ। आप देखो, कॉपी बटन को प्रेस किया तो आप देखो इंडिकेशन आ रहा है, पेज इसमें इंसर्ट नहीं है। तो मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट A4 साइज पेपर डाल दूंगा। और यहाँ पे एडजस्ट करने का दिया हुआ है कि आप जितने साइज का पेपर है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो और इसको रख सकते हो, फिर आप इजिली इसको लगा सकते हो। अब यहाँ से मैं कॉपी करूँगा तो आप देखना किस टाइप का पेज पेपर निकलता है। और ये खींचने का दिया हुआ है ताकि आपका पेपर गिरे ना जब जेरोक्स करके निकले। तो और आप देखो कितना अच्छा इसका पेपर क्वालिटी है, मींस ये प्रिंटिंग भी बहुत अच्छे क्वालिटी में करता है। तो चलो मैं एक फ़ोटो को प्रिंट करके दिखाता हूँ कि वो कैसा प्रिंट होता है। ये मैनुअल था इसका, मैं उसी को प्रिंट कर दिया। अब मैं एक पिक्चर को प्रिंट करके देखता हूँ कि ये कैसा आता है, इसका क्वालिटी कैसा देता है। तो आप देख सकते हो जब आप किसी पिक्चर को निकालते हो तो कैसा इसका पिक्चर क्वालिटी आता है। ऐसे ही नॉर्मली पेपर प्रिंट करते हो तो आपको ये 5000 पेजेस दे देता है। तो चलो मैं इसका कंक्लूजन बताता हूँ कि ये प्रिंटर आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो फर्स्ट, ये हेवी ड्यूटी साइकिल के लिए यूज़ में आता है, मींस अगर आपको ज़्यादा फोटोकॉपी करना है, आपको ज़्यादा प्रिंटर का यूज़ आता है तो आप इसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको कलर फोटोज चाहिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और ये मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, आप इसको लेज़र प्रिंटर भी बोल सकते हो, और इससे आप वाईफाई से इसको ऑपरेट कर सकते हो, या तो फिर USB केबल जैसा कि इसमें ये दिया हुआ है, या तो फिर आप नॉर्मली जैसे जेरोक्स करते हो वैसे टाइप का कर सकते हो। और इसमें आप एक साथ 150 फोटोज निकाल सकते हो, मींस इसका इनपुट 150 पेजेस का रहता है तो आउटपुट भी 150 पेजेस आएगा एक साथ। और जो इसका प्रिंटिंग रेजुलेशन है वो 1200x1200 में रहता है, मींस बहुत अच्छा क्लियरिटी के साथ आपको इसका प्रिंटिंग देता है, मींस इसका जेरोक्स देता है। ऑटोमेटिक 2-साइडेड जेरोक्स अवेलेबल है, मींस अगर आप कोई आईडी का जेरोक्स करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन रहता है, आप उसको प्रेस कर दोगे तो आप अपने आईडी को
पलट के भी रखते हो तो वो एक साथ निकल के आता है, आपको फिर से इनपुट नहीं देना पड़ेगा, आपको फिर से पलट के पेपर को डालना नहीं पड़ेगा। और जो इसका स्क्रीन साइज है, मीन्स जो ये आप देख सकते हो पैनल, स्क्रीन पैनल, वो 3.2 सेंटीमीटर का है। और जो इसका वेट है वो 8.5 किलो के अप्रॉक्स वेट है। और ये जो पावर कंजम्पशन करता है वो 325 वाट के अप्रॉक्स पावर कंजम्पशन करता है ये। तो लास्ट कंक्लूजन कि ये बिजनेस पर्पस के लिए सही रहेगा या होम पर्पस के लिए भी ये सही रहेगा। तो अगर आप ज़्यादा जेरोक्स करते हो तो ये प्रिंटर आपके लिए सही है, आप बिजनेस में यूज़ करते हो तो उसके लिए भी ठीक है, और अगर आप घरों में यूज़ करते हो उसके लिए भी ठीक है। बस इसमें एक है कि आपको इसको ये कलर जेरोक्स नहीं देगा, ये ब्लैक एंड वाइट जेरोक्स ही देगा, क्योंकि ये मोनोक्रोम प्रिंटर है और मोनो का काम होता है एक कलर में प्रिंट करना, तो ये ब्लैक कलर में ही प्रिंट करता है। इसका एक कवर भी है। अगर आप चाहते हो इसका कवर भी ऑर्डर करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसको भी परचेस कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।